और मुख्यमंत्री जी अब पैसा खोर हो गए हैं कि रायपुर दक्षिण की विधानसभा को जीतने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उनको ठेका दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं को अनवर ढेबर स्वयं और उनके गुर्गे धमकी दे रहे हैं, जो उनको नियमित पैसा पहुंचाते हैं, और मुख्यमंत्री जी अब पैसा खोर हो गए हैं। अब वो शासन और प्रशासन के व्यक्ति नहीं बचे। आपने अनवर और ढेबर का भी जिक्र किया जब आपने हमला हुआ, उसके बाद पूरी जानकारी में है, सब लोग जानते हैं कि रायपुर दक्षिण की विधानसभा को जीतने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उनको ठेका दिया है। जो लगे, जैसा लगे, जितना पैसा लगे, जो करना पड़े तुम करो, मैं बैठा हूं। और हमारे कार्यकर्ताओं को अनवर ढेबर स्वयं और उनके गुर्गे धमकी दे रहे हैं, तो ये इस बात को साबित करता है कि पूरे आपराधिक तत्वों को मुख्यमंत्री जी ने चुनाव जीतने के लिए लगाया हुआ है। एक चार बार के मंत्री, सात बार के विधायक, उन पर इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम देना, उसके बाद किस तरह से चुनाव को इस दृष्टि से देखना, ऐसा है वो नहीं चाहते कि सबसे बड़ा त्योहार दीपावली शांति से जाए, लोग खुशियों के साथ में मनाए। वो नहीं चाहते कि लोकतंत्र के उत्सव जो है वो लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग ले, और इसलिए वो चुनाव में व्यवधान पैदा करने के लिए, सबसे बड़े त्योहार में व्यवधान पैदा करने के लिए उनके नेतृत्व में इस प्रकार की घटना करवाई गई है, क्योंकि उनको डर है कि हम चुनाव हार रहे हैं। आपने जान से उसके जान का भी खतरा बताया है। अब आप देख लें फोटोग्राफ्स, वीडियो, कि जब वो व्यक्ति अपना एक वीडियो जारी कर रहा है तो पेंट और टी शर्ट में है, और जब वो हमला कर रहा है तो कुर्ते पजामे में है। तो यही अपने आप को दिखाई देता है कि ये सब लोग भेष बदल कर पूरी तैयारी के साथ में और हमला करने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री को आपने चेतावनी, चुनौती भी दी है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा है बृजमोहन हार के डर से ऐसा किया है, तो मुख्यमंत्री जी को चुनौती है कि मुख्यमंत्री जी आप सीट तय करें, आपको कहां से चुनाव लड़ना है, मैं आऊंगा वहां पर।